हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वत्सला वर्मा और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं कि हम सिंपल वेनिला आइसक्रीम को कितने अलग अलग फ्लेवर्स में सर्व कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम सिंपल वेनिला आइसक्रीम से कितनी अलग अलग तरीके की आइसक्रीम बना सकते हैं। तो आज हम वेनिला आइसक्रीम को यूज़ करके 10 अलग तरह की आइसक्रीम बनाएंगे। तो कौन कौन सी हम आइसक्रीम बनाएंगे उसके लिए देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बनाना। तो फर्स्ट आइसक्रीम हमारी है चॉकलेट वेनिला स्वर्ल। उसके लिए हम सबसे पहले चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है चॉकलेट कंपाउंड, आप चाहे तो कोई भी सिंपल मिल्क चॉकलेट ले सकते हैं। और अभी हम इसको मेल्ट कर रहे हैं डबल बॉयलर मेथड से। पहले एक यूटेंसिल में पानी बॉयल करेंगे और फिर उसके ऊपर दूसरा यूटेंसिल रख देंगे, और जब तक चॉकलेट मेल्ट नहीं हो जाती तब तक हम मीडियम फ्लेम पर इसको मेल्ट करेंगे। और अब हम एक पाइपिंग बैग में, यहाँ पे मेरे पास पाइपिंग बैग है जो हम केक को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आप चाहे तो कोई भी मिल्क पैकेट में भी डाल सकते हैं। तो थोड़ी सी इसमें हम वेनिला आइसक्रीम डालेंगे। और अब सर्व करने के लिए चॉकलेट वेनिला स्वर्ल, सबसे पहले हम डालेंगे 2 स्कूप्स वेनिला आइसक्रीम के, और उसके बाद जो हमने पाइपिंग बैग में वेनिला आइसक्रीम डाली थी हम उससे ऐसे डेकोरेट कर देंगे। लेकिन आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं और इसके ऊपर डायरेक्टली मेल्टेड चॉकलेट डाल सकते हैं, चाहे तो चॉकलेट को माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। बस 5 to 6 सेकेंड्स तक आप चॉकलेट को माइक्रोवेव कर ले और फिर मिक्स करें जब तक चॉकलेट मेल्ट नहीं हो जाती, और ऊपर से थोड़ी सी मेल्टेड चॉकलेट डाल देंगे। आप चाहे तो चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं, लेकिन मेल्टेड चॉकलेट मैंने यहाँ पे इसलिए यूज़ करी है जिससे चॉकलेट हार्ड हो जाए। तो बस इसको 10 मिनट्स तक फ्रीज करें और सर्व करें। और नेक्स्ट आइसक्रीम हम बनाएंगे जेम्स आइसक्रीम। इसके लिए हमें चाहिए छोटा पैकेट जेम्स का। तो पहले हम जेम्स को थोड़ा सा क्रश करेंगे, बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनाना, हम थोड़ा थोड़ा इसको मोटा रखेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर। और अब सर्विंग कप में सबसे पहले हम लिक्विड चॉकलेट डालेंगे। यहाँ पे मैं चॉकलेट सिरप का यूज़ कर रही हूँ, और आप चाहे तो जैसे अभी हमने मेल्टेड चॉकलेट बनाई थी आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम डालेंगे 2 स्कूप वेनिला आइसक्रीम के, और ऊपर से थोड़ी सी अभी जो हमने जेम्स क्रश करी थी उसको डाल देंगे। तो कितना ईजीली आप ये एक्सपेंसिव आइसक्रीम्स अपने घर पर बना सकते हैं। तो जेम्स आइसक्रीम बन गई है, और ऐसी मिलती है ना मार्केट में भी। और नेक्स्ट आइसक्रीम हम बनाने वाले हैं ओरियो आइसक्रीम। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 3 ओरियो बिस्किट्स। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो एक फुल पैकेट भी ले सकते हैं, ऐसे इसको क्रश कर देंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं तो मिक्सर में भी आप ग्राइंड कर सकते हैं। तो ऐसे क्रश कर देंगे, और इसको आप मोटा नहीं रखेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर इसका टेक्स्चर बिल्कुल फाइन पाउडर भी नहीं है और बहुत मोटा भी नहीं है। तो यहाँ पर हम मिक्सिंग बोल में डाल देंगे थोड़ी सी वेनिला आइसक्रीम, और ऊपर से हम डाल देंगे ये ओरियो बिस्किट जो अभी हमने क्रश किया था, अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे, और मिनिमम 6 आवर्स तक या फिर ओवरनाइट आप इसको फ्रीज कर लें। तो 6 आवर्स हो गए हैं, और अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये अच्छे से जम गई है, और अब हम इसको निकाल लेते हैं सर्विंग कप में। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका टेक्सचर, बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनी है। और आप चाहे तो थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैसी बहुत टेस्टी है। साथ में डेकोरेट कर देंगे एक ओरियो बिस्किट से। और नेक्स्ट आइसक्रीम है स्ट्रॉबेरी वेनिला आइसक्रीम। तो अभी हम डाल रहे हैं सर्विंग बोल में स्ट्रॉबेरी सिरप, लेकिन अगर आप चाहे तो स्ट्रॉबेरी की प्यूरी बना करके वो भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो स्ट्रॉबेरी क्रशर भी डाल सकते हैं। और अब हम डाल देंगे 2 स्कूप्स वेनिला आइसक्रीम के, और ऊपर से थोड़ा सा और स्ट्रॉबेरी सिरप से डेकोरेट करेंगे। आप चाहे तो ऊपर से एक स्ट्रॉबेरी रख सकते हैं, और अभी मैं चेरी रख रही हूँ। तो बन गई है सिंपल स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। और नेक्स्ट आइसक्रीम है ब्राउनी आइसक्रीम। बहुत इजीली आप इसको अपने घर पे बना सकते हैं, और यहाँ पे मैंने लिया है स्लाइस केक जो इजीली किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पे आपको मिल जाएगा।
तो मिक्सिंग बोल में, क्योंकि मैं थोड़ी क्वांटिटी बना रही हूँ इसलिए आज हम यहाँ पे एक ही स्लाइस यूज़ कर रहे हैं। एक स्लाइस को हम ऐसे हाथों से क्रम्बल कर देंगे, ऊपर से थोड़ी सी वनीला आइसक्रीम डाल देंगे और सीरियसली इसका टेस्ट बिल्कुल वही आएगा जो मार्केट में ब्राउनी आइसक्रीम का आता है। तो मिक्स करेंगे। चॉकलेट फ्लेवर आप स्लाइस केक यूज़ करें, आप चाहे तो इसकी जगह ब्राउनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये केक इजीली अवेलेबल होता है और टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता। और एल्युमिनियम फॉइल से कवर करके हम इसको फ्रीज करेंगे 6 घंटे तक या फिर ओवरनाइट। तो 6 आवर्स हो गए हैं और अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका टेक्सचर। साथ में एक स्लाइस केक की रख देंगे। तो कितनी इजीली बन गई ब्राउनी आइसक्रीम भी। और नेक्स्ट आइसक्रीम हम बनाने वाले हैं मैंगो वेनिला आइसक्रीम। यहाँ पर हमने एक स्लाइस मैंगो का लिया है जिसको मैंने आधा घंटे तक फ्रीजर में रखा था जिससे अच्छे से ठंडा हो जाए। और अब इसको कट करके डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में और इसकी प्यूरी बना लेंगे। और यहाँ पर हम आइसिंग बैग में डाल रहे हैं थोड़ी सी वेनिला आइसक्रीम और मैंगो प्यूरी जो अभी हमने बनाई थी। आप चाहे तो इसकी जगह मिल्क पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसको हम यूज़ करेंगे डेकोरेट करने के लिए। तो पहले डाल देंगे 2 स्कूप्स वेनिला आइसक्रीम के। आप चाहे तो पहले मैंगो के चंक्स डाल सकते हैं और उसके ऊपर वेनिला आइसक्रीम डाल सकते हैं। और ऊपर से हम ऐसे डेकोरेट कर देंगे वेनिला और मैंगो के मिक्सचर से। तो आप इसको 10 मिनट्स तक फ्रीज करके भी सर्व कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी सर्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आइसक्रीम हम बनाते हैं वेनिला आइसक्रीम संडे। तो पहले सर्विंग कप में हम डालेंगे लिक्विड चॉकलेट और मैं यहाँ पे सिंपल कप में सर्व कर रही हूँ क्योंकि बाकी आइसक्रीम्स भी मैंने सिंपल कप में ही बनाई है। लेकिन आप चाहे तो आइसक्रीम कप्स या फिर आइसक्रीम बोल्स में इसको बना के डेकोरेट कर सकते हैं। ऊपर से 2 स्कूप हम वेनिला आइसक्रीम के डालेंगे और साथ में हम रख देंगे एक वेफल। आप चाहे तो इसकी जगह किटकैट भी रख सकते हैं और चाहे तो ऊपर से वेनिला आइसक्रीम पे थोड़ा सा चॉकलेट सिरप और डाल सकते हैं। ऊपर से एक चेरी रख देंगे और ऊपर से थोड़े से स्प्रिंकल्स डाल देंगे इसको और कलरफुल बनाने के लिए। तो संडे तो बहुत फेमस है ही और इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसको कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो कितना सिंपल तरीके से बन गया आइसक्रीम संडे। तो नेक्स्ट आइसक्रीम हम बनाते हैं अब ड्राई फ्रूट आइसक्रीम। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम और काजू लिए हैं, इनको क्रश करेंगे, थोड़ा मोटा रखेंगे और अब एक मिक्सिंग बोल में डालेंगे हम थोड़ी सी वेनिला आइसक्रीम, साथ साथ ये ड्राई फ्रूट्स जो अभी हमने क्रश किए थे वो डाल देंगे और साथ साथ डाल देंगे थोड़ी सी किशमिश और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो वेनिला आइसक्रीम अब जब भी बाज़ार में लेने जाओगे तो हमेशा ही बाय वन गेट वन में मिलेगी, लेकिन ड्राई फ्रूट आइसक्रीम आपको कभी भी बाय वन गेट वन नहीं मिलेगी। तो मार्केट से सिंपल वेनिला आइसक्रीम लेकर आए और घर पे बनाए ड्राई फ्रूट आइसक्रीम। और अब एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करके इसको भी हम 6 आवर्स तक या फिर ओवरनाइट फ्रीज करेंगे। तो 6 आवर्स हो गए और अब हम निकाल लेते हैं इसको सर्विंग कप में। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी टेम्पटिंग लग रही है और मैंने इसको सिंपल रखा है। आप चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं या फिर बटर स्कॉच सिरप अगर आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सिंपल ही रखें। और नेक्स्ट आइसक्रीम है किटकैट आइसक्रीम। तो यहाँ पर पहले मैं 4 फिंगर्स किटकैट की ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप 8 to 10 फिंगर्स तक ले सकते हैं। और ऐसे ही इसको क्रश कर देंगे, थोड़ा मोटा ही रखेंगे।
आप देख सकते हो यहाँ पे हमने पाउडर नहीं बनाया है, थोड़ा सा इसका मोटा ही टेक्सचर रखा है। तो मिक्सिंग बोल में पहले डाल देंगे थोड़ी सी वेनिला आइसक्रीम और अब इसमें क्रश करी हुई किटकैट और अच्छे से दोनों को मिक्स कर लेंगे। और इसको कवर करेंगे एल्यूमिनियम फॉइल से और फ्रीज करेंगे 6 आवर्स तक या फिर ओवरनाइट। 6 आवर्स हो गए हैं और अब हम इसको आइसक्रीम कप में सर्व कर लेते हैं। 2 स्कूप्स हम आइसक्रीम डाल रहे हैं। और इसके साथ साथ हम रख देंगे 1 फिंगर किटकैट का और नेक्स्ट हम बनाने वाले आइसक्रीम फ्लोट। रेस्टोरेंट्स में आपने ज़रूर ट्राई किया होगा ये आइसक्रीम फ्लोट। पहले पाइपिंग बैग में हम डालेंगे थोड़ी सी वेनिला आइसक्रीम और अब हम एक ग्लास लेंगे और उसमें पहले 1 स्कूप वेनिला आइसक्रीम का डालेंगे और ऊपर से हम डाल देंगे कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पे मैंने ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक लिए, आप चाहे तो ब्लैक भी ले सकते हैं और धीरे धीरे कोल्ड ड्रिंक डालें। अगर आप जल्दी से डाल देंगे तो फ्लोट ग्लास की जगह बाहर बन जाएगा और ऊपर से डेकोरेट कर देंगे अभी जो वेनिला आइसक्रीम हमने डाली थी। आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं और ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 10 डिफरेंट आइसक्रीम सिंपल वेनिला आइसक्रीम से। अगर आपके पास और भी आइडियाज़ है वेनिला आइसक्रीम को डिफरेंट आइसक्रीम में कन्वर्ट करने के लिए तो आप ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। और इनमें से आपको जो भी आइसक्रीम अच्छी लगती है या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स को अच्छी लगती है आप उनको ज़रूर ट्राई करें और शेयर करें अपने व्यूज़ हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो करिए लाइक और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए सब्सक्राइब और साथ साथ प्रेस करें बेल आइकन को जिससे आपके पास हमारी लेटेस्ट रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।